नमस्कार करवाड़ा कक्षा 12 की सिलेबस में डे 160 में अपने 160 में और अब नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट शुरू कर रहे हैं अभी अपने रे ऑप्टिक्स चल रही है और रे ऑप्टिक्स का अंतिम भाग भी शुरू कर रहे हैं अपन अंतिम भाग। प्रकाशिक उपकरण में हमें नेत्र के बारे में पढ़ा था, आंख के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, सिंपल बातें जनरल साइंस की है, बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर तीन चार बातें आएगी, तीनों चारों में अपने को ये नहीं पता क्या है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये तीनों चारों बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। पहले हमने बात की थी, सबसे पहले मैं वो इस पूरे चैप्टर के टॉपिक बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ दोबारा कौन कौन से टॉपिक है जहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे और कन्फर्म आएंगे। पहला पार्ट है इसका हमने किया था लेंस निर्मात्री सूत्र, उसके बाद में फिर हम पढ़े थे प्रिज्म, बाकी उसके बीच में छोटे छोटे टॉपिक आए हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं, न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हम मैं केवल बड़े क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ जिनमें से लेंस निर्मात्री सूत्र उसके बाद में पढ़ा मैं प्रिज्म में तीन चार बातें पढ़ी थी, तीन चार बातें तो एक हमने बात की थी प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म में तीन चार बातें हमने पढ़ी थी पूरी, वो डिटेल्स आप देख लें पहले की क्लासेस नहीं देखिए तो वो प्रिज्म का पूरा कंप्लीट टॉपिक। उसके बाद में तीसरा भाग है ये जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी, जिसमें हम सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे दूरदर्शी। तीनों ही जो टॉपिक है डेरिवेशन टाइप टॉपिक है तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है ये वस्तुओं को आवर्धित करके देखने में, वस्तुओं को आकार में बड़ा करके देखने के काम आता है। सिंपल जो आवर्धनकारी कांच होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नॉर्मली इसका जो यूज है घड़ी निर्माता जो है वो करते हैं, घड़ी ठीक करने वाले, तो उसको इस तरह से बढ़ाया जाता है, एक छोटी सी डिबिया में डाल के इस तरह से आंख में फिट हो जाए तो आंख में चिपका के फिर देखते हैं, छोटे छोटे जो घड़ी के जो पार्ट्स है वो छोटे होते हैं उनको देखने में इनका यूज करते हैं। लैब्स में इनका यूज करते हैं कोई भी वैल्यू पढ़ने के लिए, किसी मीटर को पढ़ने के लिए, तो उनको इस लेंस रहता है इस तरह का, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह का लेंस रहता है, उसको यूं आगे पीछे करके क्या किया जाता है, उसकी फोकल लेंथ सेट की जाती है। अब उस पर लिखा नहीं है और हमारे पास कोई स्केल नहीं है, भाई स्केल के माप ले इस पर लिखा है कितनी इसकी फोकल लेंथ है, हम उसको आगे पीछे करके इस प्रकार से सेट करते हैं कि हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे जाए। ये जो लेंस है, ये जो ग्लास है, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी, कुछ और नहीं है, ये सबने देखे होंगे और वैसे नहीं देखे होंगे तो एक सीरियल में देखे होंगे, क्यों एसीपी प्रद्युमन को सभी ने देखा होगा, वो ये एक कोट की जेब में ये रखता है परमानेंट हमेशा, कहीं पर भी जाता है किसी केस में तो वहां अपने उस सीरियल में भी इसको देखते हैं नॉर्मली। वैसे भी इसका जो यूज है बहुत सी जगह किया जाता है। ये जो लेंस होता है इसको ही कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, कोई अलग से कोई बहुत बड़ा उपकरण नहीं है, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक आवर्धनकारी कांच है, आवर्धनकारी कांच जो वस्तुओं को क्या करता है, आवर्धित करता है, बड़ा करके देखने में काम में आता है। तो ये तो इसकी परिभाषा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक उपकरण है जो वस्तुओं को आवर्धित करने करके देखने में काम आता है, ऐसा उपकरण जो वस्तुओं को आवर्धित का मतलब होता है बड़ा देखने में काम आता है। दूसरी बात क्या होता है, सामान्य आवर्धनकारी कांच या इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब आधा सिद्धांत इनके पूछ लिए जाते हैं, सिद्धांत महत्वपूर्ण है ध्यान रखिए,
अकेला सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है उसको किसी लेंस के सामने, उस लेंस के सामने एफ और सी के मध्य यानी फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी जाए तो उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये इसका सिद्धांत है। नॉर्मली सिद्धांत में आप माइक्रोस्कोप कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ध्यान रखिए, सिद्धांत लिखना है तो सिद्धांत में हमें उसकी स्थिति लिखनी है, ये ध्यान रखें। सिद्धांत में हमें उसकी स्थिति बतानी है कि वस्तु कहाँ होगी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सिद्धांत होता है। तो वस्तु कहाँ रखनी है? एफ और सी के मध्य रखनी है, तो उसे सीधा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जो वस्तु से बड़ा होगा उसको हम डायग्राम से समझ लेंगे क्या होगा। अब ये है क्या, इसको ये भी कह सकते हैं, इसमें लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, एक सामान्य आवर्तनकारी कांच, जो क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ध्यान रखिए, उत्तल लेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसका सिद्धांत जो है वो क्या है, यदि वस्तु को लेंस के सामने, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एफ व सी, ध्यान रखें एफ फोकस बिंदु है, सी प्रकाशीय केंद्र है, के मध्य रखा जाए तो वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब हम इसके डायग्राम से इसकी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से बनता है। डायग्राम आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसी डायग्राम को हम आगे फिर यूज करेंगे। आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा उसमें, लेकिन ये अगर पता चल जाए तो वो और थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट ये रहेगा और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डायग्राम से करेंगे, उसके कंसेप्ट जरूर आप समझ लें। तो यहां बना देता हूं डायग्राम, ये कोई लेंस है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु इसका कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ है, ये जो दूरी हमें पता है क्या है इसकी, स्मॉल एफ है, ठीक है। वस्तु कहां रखा गया है, इसके सिद्धांत के अनुसार वस्तु को यहां रखा गया है, ये वस्तु है, तो दो लेंस के क्या है, दोनों भाग है उत्तल लेंस, इधर भी इसका एफ होगा। अब क्या होगा, प्रकाश केंद्र की तरफ जाएगी, इस लेंस की तरफ जाएगी, ये प्रकाश किरण की गति की दिशा है, यहां से जाने के बाद में प्रकाश किरण हमेशा किसमें से गुजरती है, एफ से गुजरती है, और एक किससे गुजरती है, सी से गुजरती है, गुजरती तो हर जगह से ये है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनते हैं वो एफ और सी के अनुसार ले लें, तो सारी लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या है, आगे तो बढ़ाए तो देखो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आगे तो ये दूरी ऐसे जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, तो आगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेगी यार, और जहां मिलेगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है ए बी, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, बस ये डायग्राम है इसका, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना सही है, ये है इसका डायग्राम। तो वस्तु कैसी है, प्रतिबिंब कैसा, सीधा आभासी है, वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती प्रतीत हो रही है, आभासी है, और वस्तु से बड़ा है, वस्तु इतनी है और ये इतना बड़ा है, बड़ा, तो वस्तुओं को बड़ा करके देखने में इसका यूज किया जाता है। इन इन से इससे उन्हीं वस्तुओं को देखा जा सकता है जिसको हम सामान्यतः भी देख सकते हैं, लेकिन हमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, रेत के कण है बिल्कुल बारीक बारीक है, हमें समझ में जाते हैं, इसे देखेंगे तो बड़े दिख जाएंगे। पैमाना पढ़ते हैं हम, कोई भी मीटर की रीडिंग पढ़ते हैं तो वो वैसे भी हमें दिखती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता दो पे लाइन, तीन पे, चौथी लाइन पे, पांच पे, तो हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो वो थोड़ा और बड़ा दिख जाता है। घड़ी के जो उपकरण है बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, वैसे भी दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं को बड़ा करके देखें।
अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, आवर्धन क्षमता जो हमें सोल्व करनी है, जो आपको डेरिवेशन में जब सोल्व करनी होगी तो यही पूछ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर एनपी से लिख देते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर, और ये कोई अलग बात नहीं है, वही है जो हमने पहले लेंस में और दर्पण में पढ़ी है, स्मॉल एम रैखिक आवर्धन, वही है यहां, इसको आवर्धन क्षमता के फॉर्म में लिख देते हैं। आवर्धन क्षमता को कैसे परिभाषित किया जाता है, किसी भी प्रतिबिंब का नेत्र से बनने वाला कोण और वस्तु का नेत्र से बनने वाले कोण का अनुपात, ये इसका प्रतिबिंब का, मैं फॉर्मूले फॉर्म में लिख देता हूं, आप उसको इसमें भी लिख लेना, एमपी से लिखते हैं इसे, एमपी से प्रतिबिंब का नेत्र से बना कोण अपॉन वस्तु का नेत्र से बना कोण का अनुपात, परिभाषा भी का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। अब बात करते हैं नेत्र का है और कोण का है और वस्तु और प्रतिबिंब के कोण का है। हम किसी वस्तु को, हमारे पास ऐसे है ये लेंस, ऐसे है, ऐसे है हमारे पास लेंस, ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से, तो ये तो हमारी आंख यहां है, बीच में लेंस है और इधर वस्तु है, ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देख रहे हैं हम यहाँ, तो आंख यहाँ होगी, ये भी वस्तु, ठीक है, और प्रतिबिंब हमें इसमें दिख रहा है तो उधर बढ़ रहा है, वो प्रतिबिंब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आंख कहाँ है हमारी, हम देख कहाँ से रहे हैं, इधर से हम उसको देख रहे हैं, इसी भी वस्तु यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। अब वस्तु का प्रतिबिंब से बना कोण और सॉरी वस्तु का नेत्र से बना कोण और प्रतिबिंब का नेत्र से, वस्तु का है ये, प्रतिबिंब का है ये, नेत्र ये, अब यहां से कोण देखें तो अगर यू देख रहे हैं तो ये तो वस्तु का कोण हो गया और ये प्रतिबिंब का भी तो ये कोण हो गया इसके अनुसार, तो इसलिए इस तरह से तुलना नहीं होती है, जब भी तुलना की जाती है किसी वस्तु की ऊंचाई की तो एक जगह से की जाती है, मैं यहां से खड़ा होकर इस वस्तु को देख रहा हूं और कोई दूसरा आदमी मेरे से 10 मीटर पीछे खड़ा होकर वो उसको देख रहे हैं तो तुलना नहीं हो सकती, अगर ऊंचाई अलग अलग है तो, यहां से मेरे को कोई वस्तु जितनी ऊंचाई पे दिख रही है वहां से उसको उतनी ऊंचाई पे नहीं दिखेगी, इसीलिए दोनों कहां से देख रहे हैं, दोनों को एक ही पोजिशन पे मानना है, फिर उनकी ऊंचाई में हम तुलना कर सकते हैं कि ये वस्तु इतनी ऊंची है और ये वस्तु इतनी ऊंची है एक ही जगह से। अब एक ही जगह से तुलना कैसे होगी, ये तो हो गई वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की तो इतनी रहेगी, वस्तु की ऊंचाई के लिए क्या करें, इसके समांतर हम एक रेखा खींच दें, ये अपने समांतर रेखा खींच दी, तो ये जो पॉइंट है ये ए डैश, इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं ए डैश सी, तो वस्तु के इस समांतर रेखा खींच दी तो जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई यहां है, इसका मतलब प्रतिबिंब का तो ये कोण बढ़ गया, कौन सा, ये जो कोण बढ़ रहा है ये लाइन का, वस्तु के लिए देखें तो वस्तु तो यहां है, वस्तु की ऊंचाई तो ये है, तो इस ऊंचाई से कोण बढ़ेगा ये वाला, ये ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोण बढ़ेगा, तो ये जो कोण है वो तो हो गया वस्तु का, इसको कहते हैं अल्फा, और ये जो कोण है ये बढ़ गया प्रतिबिंब का, इसको कहते हैं बीटा, तो प्रतिबिंब का कोण बढ़ा बीटा और वस्तु का कोण बढ़ा अल्फा, तो वैल्यू क्या आ गई, बीटा कोण अल्फा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये समझ में आ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी इसको सोल्व करने में, कैलकुलेशन में तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन हमें कंपैरिजन ध्यान रखना है, नेक्स्ट टॉपिक में भी ये बात फिर करेंगे सारे, तो कंपैरिजन जब हमें कंपैरिजन करना है तो एक ही जगह से करना है, ऊंचाई दोनों की में कितना अंतर है वो एक ही जगह पर लेके जाके देखेंगे, तो अगर एक वस्तु की ऊंचाई इतनी है, एक वस्तु की इतनी है, लेकिन इस वस्तु को अलग जगह से देख रहे हैं, इस वस्तु को अलग जगह से देख रहे हैं, तो फिर दोनों में जो अंतर है वो समझ में एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए दोनों को एक ही पॉइंट पर माना जाए कि ये भी यहां पर है और दूसरी जो ऊंचाई है वो भी यहां पर है,
उनकी दूरी अलग अलग दूर दूर नहीं होनी चाहिए, उनको एक ही जगह पे स्टेब्लिश मान लिया जाए, तब इनकी तुलना की जा सकती है, तब इनका एग्जैक्ट कोण आएगा। तो इसका कोण कितना बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई इतनी है और इसकी ऊंचाई इतनी है, यहां से बढ़ाएंगे तो दोनों का कोण ही एक ही कोण बढ़ेगा, इसका भी वही बढ़ेगा, इसका भी वही बढ़ेगा, तो कैंसिल आउट हो गया, कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि उनको एक ही बिंदु तक लेके जाना है, तो समांतर ले जाए तो ऊंचाई जो है वो एक जगह से पता चलेगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कोण छोटे बनते हैं इसीलिए बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा और एल्फा को लिख सकते हैं टेन एल्फा, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब टेन एल्फा और टेन बीटा के मान निकालने, त्रिभुज है बड़े पास, सी बिंदु तो ये है, इसको हम पी मान देते हैं, तो ए डैश पी सी, इस त्रिभुज में क्या आएगा, इस त्रिभुज में एल्फा बढ़ रहा है, एल्फा लंब बटे आधार, इस त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश लंब और ये आधार कोण ये वाला है, दोनों को सोल्व कर लो, क्योंकि से त्रिभुज कौन सा है पी सी ए डैश से क्या आएगा, टेन एल्फा इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन लंब बटे आधार है अपॉन ए डैश सी, या क्या ए डैश पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो क्या आ गया ए बी अपॉन ए डैश सी। दूसरी बात, त्रिभुज कौन सा ले लें, त्रिभुज ले लें बड़े वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से, टेन बीटा आ जाएगा यहां से, टेन बीटा इज इक्वल टू वही लंब बटे आधार ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, आधार दोनों सी में एक ही जगह ले गए दोनों। अब ये दोनों मान किस में रख दो, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक से एक में रखेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू टेन बीटा रख दें, टेन बीटा और टेन एल्फा की वैल्यू दोनों रख दें, टेन बीटा है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, इसको उल्टा कर देंगे ए डैश सी अपॉन ए बी कट गया, तो क्या आया एम पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। अब ए डैश बी डैश किसकी ऊंचाई है, डिग्री है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है यहां से यहां तक, ए बी किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, और वहां हम आवर्धन की परिभाषा क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात देखिएगा आवर्धन कहलाता है, तो ये भी वही है, तो यहां क्या आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, तो ये तो आगे ऊंचाई की फॉर्म में, अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है, तो अब क्या करो ए बी और ए डैश बी डैश के मान पुट कर दे अपने इसके अंदर डायग्राम से, देखो ए बी क्या वस्तु है, वस्तु है, प्रकाश किरण किधर जा रही है, देखो ये रही इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, हमें सी से मापना है और हम इसके सी से मापने के लिए इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो प्रकाश किरण के विपरीत हो गए, इसलिए वस्तु यहां रखिए, वस्तु की दूरी यू है वो भी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ये प्रतिबिंब बन रहा है वी होती है, ये दूरी क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां बढ़ा देता हूं मैं वी है, लेकिन ये क्या होगी इसमें लेंगे हम माइनस में लेंगे, क्लियर। और एक बात और, हम उसको क्या करते हैं आगे पीछे करके वहां से करते हैं स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए वी को ही जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं उस वी को ही डी लिख देते हैं, मिनिमम विजिबल डिस्टेंस, देखने की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी, उसको वी को ही क्या लिख देंगे हम, डी यूज करेंगे बुक्स में, डी यूज करते हैं, तो डी क्या है देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी, तो वी ही डी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो डिस्टेंस है, तो यहां से यहां ए बी इज इक्वल टू को क्या आएगा, वस्तु की दूरी है माइनस यू, और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस वी है, और माइनस वी को क्या लिख देंगे हम डी लिख देंगे, तो माइनस ही रहेगा, वी की जगह क्या लिख सकते हैं डी, तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ डी क्या है मिनिमम विजिबल डिस्टेंस है, न्यूनतम देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, तो जहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसी वी को डी लिख देंगे, ये मान रख दो इस समीकरण में, एम पी इज इक्वल टू आ जाएगा, एम पी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस वी अपॉन माइनस यू, या ये कहते हैं माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया
एमपी इज इक्वल टू डी अपॉन यू, समीकरण कर देते हैं इसको दो। ये जो है ये इसकी आवर्तन क्षमता है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये भी कह दिया जाता है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए में ये इक्वेशन नहीं दी जाती है, ये जो इक्वेशन है सिद्ध कीजिए में दूसरी इक्वेशन दी जाती है, वो हम प्राप्त करते हैं। देखते हैं क्या है जी, वो अभी देखते हैं। तो लेंस सूत्र लगा दिया अगर इसमें, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, यही है। और v को क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं, ठीक है। तो v की जगह क्या यूज कर लें, d यूज कर लें, ठीक है। दो चीज यूज कर रहे हैं वो लिख दें, v बराबर d यूज किए। अब क्या करें, देखो क्या है, d अपॉन u जो है वो किसके बराबर है, mp के बराबर है। इस समीकरण से अगर हम mp निकालना है, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो क्या करें, d अपॉन u आना चाहिए। d अपॉन u बनाने के लिए क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, गुणा कर दे और गुणा कर देंगे तो फिर हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसमें लेंस सूत्र हमने लगा दिया, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन डी, डी किसको लिखा है, हमने डी को ही लिखे हैं, चाहे एक बार बी रख दे बाद में रख दे, डी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब पहले तो हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यूज की है, कि u जो है वो यहाँ किसके बराबर है, u का मतलब किसके बराबर है, वस्तु की दूरी, ab जो है वस्तु की दूरी किस किस पर है, ये माइनस u है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, तो यहाँ u तो किसके बराबर है, माइनस u के बराबर है, v किसके बराबर है, माइनस v के बराबर है, उसको चाहे तो अब यहाँ हम क्या लिख दें, माइनस d लिख दें। तो समीकरण से क्या जाएगा, इस समीकरण से कहते हैं ये तो जाएगा प्लस का वन अपॉन u, ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब हमें दिखाई दे रहा है इसे सोल्व करके एमपी किसके इक्वल आया है, डी अपॉन यू के। तो अगर डी अपॉन यू आ जाए तो एफ के पदों में मान आ जाएगा, किसके पदों में, एफ के पदों में मान आ जाएगा। और जो एफ के पदों में मान आता है वही जब भी सिद्ध करने के लिए दिया जाता है चार नंबर में, तो वही दिया जाता है, ठीक है, वन प्लस डी अपॉन एफ। तो यहां से क्या करें, डी अपॉन यू लाने के लिए डी का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा पूरी समीकरण में करेंगे, d से गुणा करने पर क्या आएगा, d अपॉन यू ये माइनस d अपॉन डी क्या हो गया, वन इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये तो चला गया। तो d अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस d अपॉन एफ। और d अपॉन यू किसके बराबर है, लिखा हुआ है ऊपर समीकरण दो में, d अपॉन यू किसके बराबर है, mp के। तो mp इज इक्वल टू आ गया वन प्लस d अपॉन, ये समीकरण दी जाती है सिद्ध करने के लिए, और यहां तक आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखें। तीन नंबर है इसी समीकरण। एक बात और इसके अंदर रहेगी, वो हम कर लेते हैं अभी, कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बन रहा है, तब ये स्थिति है वन प्लस डी अपॉन एफ। कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, डी पर बन रहा है, तब अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने, दो स्थितियां दे देते हैं ध्यान रखना, कि इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए, यदि यदि पहली बात लिख देते हैं, पहली बात कि यदि प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, ठीक है, ये दिया जाता है पेपर में, एमपी मतलब आवर्धन क्षमता ज्ञात करो यदि, और दूसरा दे दिया जाता है, दूसरा दे दिया जाता है यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब भी आया ये दोनों चीजें एक साथ आई हैं, अनंत पर बने, तो बी का मान देख रहे स्पष्ट दूरी पर बनता है, तो बी का मान डी लेना है हमें, डी लेना, तो ये रिजल्ट आ गया। यानी पहली बात हमने सोल्व कर ली है, ये पहली बात, दूसरी बात अब हम सोल्व करेंगे, यदि प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर, अनंत पर बने तो यू है ही, लेकिन v किसके बराबर है, v किसके बराबर है, अनंत के बराबर है, यानी प्रतिबिंब अनंत पे बढ़ रहे हैं, डायग्राम बनाए तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि ये तो हो गया लेंस, ये हो गई वस्तु, ये बिंदु एफ है, यहां से प्रकाश किरण से आ रही है, ये एफ है,
जारी बिंदु सी है और इसके लिए प्रतिबिंब का आवरण अनंत बन, तो ये एक दूसरे के लगभग समांतर होंगी तो कहां पड़ेगा अनंत, ये स्थिति हो। डायग्राम बनाना है तो अनंत वाला डायग्राम ये है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए अपने पास सूत्र तो वही है क्या, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, हमें पता है कि डी अपॉन यू किसके बराबर है, तो हमें तो आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है, इसलिए डी अपॉन यू लाना है, उसकी जगह एमपी रख देंगे। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, तो पहले तो आप कन्वर्ट करो, तो यू तो किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है, बी किसके बराबर है, माइनस अनंत, इधर ही बन रहा है तो माइनस भी आएगा, हालांकि मैंने अनंत के आगे माइनस लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक बटा अनंत तो जीरो हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें सिंबल का हर जगह ध्यान रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये तो वन अपॉन यू हो गया, ये लिखेंगे माइनस वन अपॉन अनंत बराबर वन अपॉन एफ, और वन अपॉन अनंत जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, दिखाई दे रहा है इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसी लास्ट स्टेप है, वन अपॉन अनंत तो जीरो हो गया, तो क्या आया वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब अपने को चाहिए डी अपॉन यू, तो डी से गुणा कर दो, डी से गुणा करेंगे तो डी अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया डी अपॉन, और डी अपॉन यू किसके बराबर है, डी अपॉन यू किसके बराबर लिखा हुआ सामने एम पी के बराबर है, तो यह आ गया एम पी इज इक्वल टू डी अपॉन, तो ये दोनों स्थितियां आ गई। अगर प्रतिबिंब देखने की स्पष्ट दूरी में बढ़ता है न्यूनतम पे, डी दूरी में बढ़ता है, तब तो आपको डी फॉर्म में निकालना है वन प्लस डी अपॉन एफ। और दूसरी बात हमेशा दी जाएगी अगर चार नंबर में आता है तो, कि अगर अनंत पर प्रतिबिंब बढ़ता है तो क्या होगा, तो क्या होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो एक दो लाइनें और हमें सोल्व करनी है, केवल डी अपॉन यू निकाल के डी अपॉन एफ की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, बाकी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, और ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। कितनी बातें इसके अंदर पूछी जाएंगी, जिसमें आपको सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी क्या है वो बताना है, सिद्धांत जरूर बताना है, सिद्धांत में क्या बताना है, वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दो चीज बतानी है। तो वस्तु कहाँ रखी है, इसके अंदर एफ और सी के बीच में रखी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, मिल नहीं रही है, मिलती प्रतीत हो रही है, आभासी बन रहा है, ये ही इसका सिद्धांत है। और ये ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही सिद्धांत, थोड़ा सा और दो बातें और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, बाकी रहेगा ऐसे। तो इसको कर ले, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको पढ़ ले, रिवाइज कर ले, लिख के जरूर देख ले अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे, हम इसको दोबारा कर लेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।